अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं लाइव टेक स्टूडियो यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप पाकिस्तान में रहते हुए पेयर का अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं 2023 में। तो बहुत इजी स्टेप के साथ बिल्कुल छोटी सी वीडियो में आपको समझा दिया जाएगा कि आप पेयर का अकाउंट किस तरह ऐड कर सकते हैं या पेयर अकाउंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तमाम की तमाम चीज़ें मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँगा। तो बहुत सारे लोगों को कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए पेयर के अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन पेयर में क्योंकि पाकिस्तान सिलेक्शन नहीं है, पाकिस्तान में मतलब कि अलाउ नहीं है, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ से देख जाते हैं कि यार उसमें पाकिस्तान अलाउ नहीं है तो उसका अकाउंट नहीं बन सकता। लेकिन आज को मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा, सिंपली आपने क्या करना है कि उसका अकाउंट कैसे बनाना है। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक ना मिले तो आपने सिंपली गूगल पे आना, सर्च करना है payeer.com, तो आपके सामने इस तरह का कुछ लुक आ जाएगा। जैसे इस तरह का लुक आएगा तो आपने सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का न्यू इंटरफेस सामने आ जाएगा, जिसमें आपकी तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शन जो हदायत होगी जो उसमें आपने फिल करनी है वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो आपने वो सिंपली कर लेनी है, मैं यहाँ पर आपके सामने करूँगा, तो आपने उसी स्टेप को फॉलो करना है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँची रहे। तो पेयर का अकाउंट दरअसल आपको बहुत सारी वेबसाइट के ऊपर आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए ज़रूरत होती है और बहुत सारे लोग इसको नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो वो आपके सामने जो बनाएंगे, यहाँ पे मैं अपनी एक ईमेल को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पे अपनी एक ईमेल ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक अपनी ईमेल ऐड कर ली है, ठीक है। तो आप भी यहाँ पे अपनी जीमेल ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, और क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दिए। जैसे आपने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दिए, ठीक है, क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है कि सिंपली थोड़ा सा वेट करना और यहाँ पे आपको एक कोड चला जाएगा आपकी ईमेल के ऊपर। तो मैं यहाँ से जल्दी से अपना कोड जो है वो लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से अपनी उस ईमेल को लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। मैं जैसे जीमेल के ऊपर क्लिक करता हूँ, जीमेल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने अपनी उस ईमेल में आ जाना है, ठीक है। अगर आपके पास मोबाइल में लॉगिन है तो आप मोबाइल में भी कर सकते हैं, ये तमाम को तमाम प्रोसेस भी आप मोबाइल में कर सकते हैं। आपने क्रोम को ओपन करना है, सिंपली क्रोम को ओपन करने के बाद आपने उसको डेस्कटॉप मोड में कर लेना है। जैसे आप डेस्कटॉप मोड में करेंगे, ठीक है, तो आपने सिंपली उसको ऑन कर लेना है, तो आपका तमाम को तमाम ऐसे ही काम होगा जैसे आप एक लैपटॉप के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे एक कोड रिसीव हो जाएगा, ठीक है। मैं सिंपली उस कोड को कॉपी पेस्ट करूँगा वहाँ पे, ठीक है। तो अभी कोड हमारा पहुँचा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हमारा कोड मिल जाएगा हमें, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हो अर्न मनी, हो टू अर्न मनी, हमारी ईमेल गलत है, मैं यहाँ पे अपनी ईमेल थोड़ी सी चेंज करता हूँ। हो अर्न मनी, क्या है हमारी ईमेल, यहाँ से हो अर्न मनी 27, ठीक है, थोड़ी सी गलती होगी, मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ इसको ईमेल को। आपने अपना ईमेल देख लेना, हो अर्न मनी, ठीक है, ठीक है। दोबारा क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब हमें कोड चला जाएगा, ठीक है। ये देखिए कोड चला गया, ठीक है। अब हम वेट कर लेते हैं अपनी ईमेल के ऊपर। तो आपने अपनी ईमेल जो भी देनी है वो आपने एग्जैक्ट कर लेनी है। ये देखिए ये हमें कोड आ चुका है अभी इधर, ठीक है। सिंपली मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद आपने सिंपली इसको करना है यहाँ पे पेस्ट, पेस्ट करने के बाद आपने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आएंगे ये देखिए आपको एक पासवर्ड सजेशन कर रहा है, अपना रिपीट पासवर्ड सजेशन कर रहा है, सीक्रेट कोड कर रहा है, ठीक है, अकाउंट नंबर कर रहा है, ठीक है। आपने इस हिसाब से अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। मैं जैसे अपना पासवर्ड जो है वो चेंज कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ पर अपना कुछ भी रख लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। आप भी अपना यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से चेंज कर ले। अगर वही रखना चाहते हैं तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, जैसे भी आपने उसको सही लगता है आपने उसको कर लेना है, ठीक है, ताकि आपको बाद में भूल लेना, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर नेम मांग रहा है, मैं यहाँ पर अपना नाम ले देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सीकस, ठीक है, लास्ट नेम लिखना है आपने, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है कि यहाँ से कंट्री, अब यहाँ पे पाकिस्तान नहीं आता तो आपने कोई भी एक कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे यहाँ पे मैं पहले ही अल्बानी ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद डन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं डन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने ये देख सकते हैं कि हमारा जो अकाउंट है वो बिल्कुल आपके सामने ईजिली बन चुका है, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, कोई इसमें बड़े साइंस नहीं है, ठीक है। आप इसमें बगैर रजिस्ट्रेशन के, बगैर मतलब के वेरीफिकेशन के भी आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि इसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि आपकी लिमिट जो होगी वो 999 यानी कि $999 पर डे आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। नॉट वेरीफाई भी है तो भी आप इतनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इजीली, ठीक है। बहुत इजी स्टेप में आपको समझा दिया कि आपने पेयर का अकाउंट कैसे बनाना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे अपना दूसरा अकाउंट जो है वो लॉगिन करके दिखाता हूँ, ठीक है।
उसमें आप देखिएगा कि मेरा मतलब कि वेरीफाई नहीं है तुम, लेकिन फिर भी मैंने उसमें ट्रांजैक्शन की हुई है। मैं आपको यहाँ पे सबूत के तौर पर भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये देखें, ये मेरा अकाउंट है, मैं इसको कर देता हूँ गो नेक्स्ट के ऊपर। ये देखें आप, इसमें रबल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। मैंने रबल्स कुछ दिन पहले बाय किए थे, यहाँ पर डिपॉजिट भी किया था, 2 रबल्स अब भी पड़े हैं। रबल्स जो है वो एक करेंसी है, ठीक है, जर्मन की, तो आपको पता होगा, ठीक है। तो ये मैंने बाई किया था सिंपली। देखिए मेरा अकाउंट जो है वो वेरीफाई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ रजिस्टर्ड अकाउंट टाइप, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ इसकी, मैं सेटिंग में प्रोफाइल में चला जाता हूँ, ठीक है। प्रोफाइल में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा अकाउंट है वो वेरीफाई नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन वेरिफिकेशन टाइप अभी यहाँ पे लिखे दे रहा है मुझे कि यहाँ पे अपनी वेरिफिकेशन करें अपनी, ठीक है। लेकिन मेरी जो है वो वेरिफिकेशन नहीं हुई हुई है आपके सामने है, ठीक है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, हर तरह की ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली स्टेप के साथ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको